आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हाय एवरीवन क्वेश्चन इज सी वाटर एट ए फ्रीक्वेंसी 9 to 10 टू द पावर 2 हर्ट्ज हैज अ परमिटिविटी एप्सिलॉन इज इक्वल टू 80 एप्सिलॉन नॉट एंड द रेजिस्टिविटी रो इक्वल टू 0.25 ओम मीटर

सी है और यहाँ पे उसका फ्रीक्वेंसी कितना गिवन है फ्रीक्वेंसी गिवन है एफसेल okay. तो नोट okay. के इक्वल और रजिस्टिविटी गेवन है जीरो पॉइंट टू फाइव ओम मीटर और यहाँ पे देखो इमेजिन करना है कि जो हमारा पेल प्लेट कैपेसिटर है उसको इमेज कर रखा है सी वोटर के अंदर ओके okay. और ड्राइव एन वाई एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स और वो ड्राइव कर रहे हैं मतलब कि वो कर रखा है एक अल्टरनेटिंग से और जो अल्टरनेटिंग अब क्या होता है कि उसमें जो हमारा कंडक्शन करंट डेंसिटी है वो टेन डेज टू पावर एक्स टाइम्स हो जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी का टाइम कितने टाइम बाद

ओके okay, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है ईवाई वी ईज इक्वल टू वी वाई डी ओके अब यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि जब हम उसको सी वाटर के अंदर लेके जा रहे हैं तो यहाँ पे हमारा जो कंडक्शन करंट है ओके कंडक्शन करंट डेंसिटी है जे सी इज इक्वल टू वो कितना होता है ई वाई रो के इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट रेजिस्टिविटी ओके अब ई इज इक्वल टू होता है वीवाई डी सो जे सी इज इक्वल टू कितना जाएगा वी वाई डी रो और वोल्टेज अल्टरनेटिंग कितना गिवन है वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर वी नोट साइन टू पाई एफ इन टू टी और अपॉन में रो, ओके, ये गिवन है, तो इसको हम बोल देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में बात की गई है डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी की जिसको हम जे डी से रिप्रेजेंट करते हैं ये होता है डिस्प्लेसमेंट करंट अपॉन में पर यूनिट एरिया ओके okay, तो अब यहाँ पे देखो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट करंट होता है उसकी वैल्यू होती है एफसाइल नोट डी फाइवी और आई इक्वल टू कितना आ जाएगा अब देखो फाइव ई e क्या है यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रखा है ओके okay, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है फाइव इज इक्वल टू होता है ई ओके अब यहाँ पे देखो एरिया तो कॉन्स्टेंट होगा चेंज क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा ओके okay, तो सिंपली एफ साइल ए और इसको लिख सकते हैं डी ई वाई डी अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वोल्टेज सोर्स यहां पे दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट है ओके okay. तो यहां से हमारा जो डिस्प्लेसमेंट करंट है उसको लिख सकते हैं ए और ई e को लिख सकते हैं तो क्या आ जाएगा डी ओके okay. तो यहां से देखो जे इक्वल टू कितना आई डी एफ सैलन ओके एपन में कितना आ जाएगा यहाँ पे यह आ जाएगा डी और इनटू में ए सो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा यहां पे अब क्वेश्चन में जो है परमिटिविटी है उसकी वैल्यू क्या बना है एट्टी एफ नोट के इक्वल और यहां से डीबी वाई डी टी करेंगे सो डीवी वाई डी टी वोल्टेज कितना है एट्टी एफ साइलन नोट और डीवी वाई डी टी करेंगे यहाँ से तो ये आ जाएगा देखो वी नोट कॉन्स्टेंट और साइन टू पाई एफ टी का करेंगे तो कितना आ टू पाई एफ टी और टू पाई एफ टी का करेंगे तो यह आ जाएगा टू पाई और t का हो जाएगा ओके, सो जेडी की वैल्यू ये आ जाती है तो इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड अब क्वेश्चन में गिवन था कि जो कंडक्शन करंट डेंसिटी है जेसी वो टेन डेज टू पावर एक्स टाइम्स हो रहा था डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी के जेडी के ओके okay, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से सो जेसी की वैल्यू यहाँ पे हमारी कितनी है ये वैल्यू गिवन है वी नोट साइन टू पाई एफ टी ओके और अपॉन में रो डी इज इक्वल टू कितना है टेन डेज टू पावर एक्स और यहां पे देखो इक्वेशन को इसको हम थोड़ा सा मेनकुलेट करके लिखेंगे तो यहाँ पे एटी है तो इसको लिख लेंगे फोर्टी और टू बचेगा और टू टू जब फोर तो इसको लिख लेंगे फोर पाई एफ साइन नोट और यहाँ पे v नोट और इन में क्या रह जाएगा एफ और इधर रह जाएगा cos टू पाई एफ टी ओके सो यहां से देखो v नोट से v नोट यहाँ पे हमारा कैंसिल आउट हो गया ओके okay. और अपॉन में यहाँ पे हमारा जे डी में देखो ये डी भी रह गया ओके okay. तो अपॉन में इसे यहाँ डी रह जाता है तो अपॉन में ये आ जाएगा डी ओके okay. और यहाँ पे देखो ये डी आएगा सो so, सिंपली यहाँ से डी से डी ये कैंसिल आउट हो जाता है तो यहाँ से हमारा जो साइन टू पाई एफ टी है और इधर क्या है ये कोस टू पाई एफ टी है तो इसको हम लिख सकते हैं टेन टू पाई एफ टी इज इक्वल टू तो टेन एक्स और ये आ जाएगा फोर्टी ओके और यहाँ पे ये यह कितना आएगा देखो फोर्टी और फोर पाई एफ सल नोट है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी वन अपन नाइन इंटू टेन टू पावर नाइन और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है ओके तो फ्रिक्वेंसी कितना था नाइन हंड्रेड ओके okay, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू थी यहाँ पे 900 हंड्रेड हर्ट्स ओके तो यहां से देखो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं सो so, ये आ जाएगा देखो 10 टू पाई और एफ की वैल्यू कितनी है 900 और टाइम कितना है टाइम है 80 वन अपॉन 800 हंड्रेड सेकेंड सो वन अपॉन एट हंड्रेड इज इक्वल टू टाइम यहाँ पे देखो कितना गया बनता वन अपॉन हंड्रेड सेकेंड एक्स और ये कितना आ जाएगा देखो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ से हमारी नाइन से नाइन यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा टेन रेस टू पावर थ्री है और इधर टेन रेस टू पावर कितना है नाइन है ओके तो ऊपर जाएंगी ये पावर तो कितनी आ जाएंगी टेन रेस टू पावर माइनस का यहाँ पे हमारा कितना रह जाएगा सिक्स रह जाएगा ओके और यहाँ से देखो जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा और टू से ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा फोर बार ओके तो सिंपली यहाँ से देखो ये वैल्यू कितनी आती है टेन और ये आ जाएगा नाइन बाई फोर इजिक्वल टू टेन एक्स माइनस सिक्स ओके अब यहां से देखो टेन नाइन पाई बाई फोर है ओके okay. तो इसको करते हैं तो ये वैल्यू आती है हमारी वन के इक्वल ओके okay. क्योंकि टेन नाइन पाई बाई फोर है ओके okay. तो इसको सोल्व करेंगे तो वन वैल्यू आएगी और इक्वल टू कितना है टेन टू पावर एक्स माइनस सिक्स अब वन को यहां पर देखो टेन की पावर में हम लिख सकते हैं टेन की पावर जीरो इजिक्वल टू टेन एक्स की टेन की पावर एक्स माइनस सिक्स ओके तो यहाँ से देखो सेम है तो पावर भी यहाँ सेम होगा ओके okay, तो सिंप्ली एक्स माइनस और यहां से एक्स तो की वैल्यू आती है यहां पे हमारी ओके okay, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में हमें एक्स की ही वैल्यू फाइंड आउट करना था कि एक्स की वैल्यू क्या होगी तो ये वैल्यू आती है ओके सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग क्लास सिक्स लेके नीट आई आई टी तक स मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें या डाउट या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर